हाय, आई मुनीजा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि जया जो है वो सिंदूर ला के वैजू के हाथ में रख देती है, और रणविजय की मॉम कहती है कि ये तो रणविजय लाया था तुम्हारे लिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं दीदी को दे रही हूँ क्योंकि रणविजय उनको ला के देगा, तो उससे बेहतर यही रख ले, मैं ही दे दे रही हूँ। इस तरह की बात होती है। तो चले इस पे बात करते हैं। क्या कहेंगे यार, जया तो पूरा फुल ऑन फायर दिखी है। मतलब उनकी बात सच भी है, सही भी है एक्चुअली, कि अगर छुप छुप के ही देना है तो मैं सामने से दे देती वाली बात उन्होंने जो कही है, मुझे तो बहुत सही लगा। आई फेल्ट कि हाँ, यही होना चाहिए। तो उस बात के लिए बुरा लगना आपके ही कर्म है जो इस तरीके से रिएक्शन मिल रहा है। आपके एक्शन का रिएक्शन है ये। शी इज नॉट डूइंग इट ऑन हर ओन। यू नो, आपको हमेशा से मानती थी वो, एक पेडेस्टल पे रखा है वैजूदी, मतलब उनका उतना था। यू नो, सो फॉर हर टू बिहेव इन सच अ मैनर, मतलब यू हैव लिटरली डन समथिंग दैट वेरी क्वेश्चनेबल। तो क्या कहोगे आप? पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जया ने इस तरह से आगे से लाके दिया कि भाई वो पीछे से लाके दे तो मैं आगे से ही दे देती हूँ। और मुझे पता है कि बाद में जया को ही गिल्ट ट्रिप में डालना है कि देखो तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, शादी भी हुई हुई थी, फिर भी तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया और तुम ये वो। भाई आपने किया, पर आपने जिस तरह से किया ना, आप लोगों ने उसे धोखा दिया है, तो उसको गिल्ट ट्रिप पे डालने की जरूरत नहीं है, मगर वो डाला जाएगा क्योंकि हमें पता है कि स्टोरी तो है ही वैजू की, तो जया को तो जाना ही है गिल्ट ट्रिप पे। लेकिन गलत उसके साथ हुआ है, वो डिसाइड भी आप लोगों ने किया, ये डिसाइड भी आप ही करने वाले हो, तो उसका क्या है? उसको क्यों अपने अपनी ही सोच के लिए या अपने किसी एक्शन के लिए उसको क्यों यूज किया, उसको क्यों ब्लेम मिलेगा? तो मैं तो उसके अगेंस्ट ही हूं। जब तक जया ने छोड़ दिया था वो रिश्ते को निभाना क्योंकि उसे लगा दीदी को प्यार है और दीदी ने भी उसके लिए किया, तो जब इस टाइम भी अगर आप उसका सोच रहे थे तो फिर पूरी तरह से कट जाना चाहिए था, हट जाना चाहिए था, जीने देना चाहिए था, लेकिन वो तो दिया नहीं। हर वक्त कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, रणविजय को वहीं भागना है। उसकी शादी रणविजय ने कर ली उससे, लेकिन क्या एक दिन भी उसे वो मुकाम, वो जगह दी है? नहीं दी है रणविजय ने। तो क्यों की शादी तुमने, क्यों गलत फैसला किया और उसके लिए तुमने उसको सजा दी है, उसके साथ गलत किया? तो मैं तो जया को इस चीज में सपोर्ट करूंगी क्योंकि मुझे उसके साथ गलत हुआ है। अगर वैजू और उनकी शादी हो गई थी तो उनको अपनी शादी रखनी चाहिए थी, नहीं तो पूरी खत्म करके जाना चाहिए था। पर आप दोनों की जो भी फैसला है वो आप दोनों ने लिया, उसका वो क्यों भुगते? तो मैं इस टाइम, मुझे बहुत सही लगा कि जया ने आगे से आके बोला, अभी भी उसे पता नहीं है लेकिन जितना भी उसे समझ आ रहा है उस पर उसने रिएक्ट किया, एंड आई लव्ड इट। आप क्या बोलोगे? एब्सोल्युटली सेम थिंग, सेम इमोशन, सेम रिएक्शन। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया है। जैसे मैंने कहा ना, उन्होंने हमेशा से वैजू को एक पेडेस्टल पे रखा है। शी वाज समवन शी लुक्ड अप टू, शी वाज समवन, मतलब आपको अगर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन याद है रणविजय और जया की, जब उनकी तकरार होती है, कितने पैशनेटली वो बात करती है अपनी दीदी को लेके, है ना, वैजूदी, मेरी वैजूदी, ऐसे बोलती है। तो फॉर हर टू हैव दिस काइंड ऑफ अ चेंज, फॉर हर टू कम एंड इंसल्ट करना, ताना देना, उनके हाथ में ऐसे सिद्धू थमा के बोलना कि रणविजय तो पीछे से करता है, मैं सामने से क्यों ना करूं, ऐसी वाली बातें, तो जरा सोचो उनका कितना दिल टूटा होगा टू बिहेव इन सच अ मैनर। से आपने कहा शी डजंट नो द एंटायर पिक्चर ऑल्सो नाउ। अभी तक तो उसको सिर्फ यही पता है कि वैजू की शादी हुई है, उसने इस बात को छुपाया है। इमेजिन गेटिंग टू नो दैट इट इज रणविजय हु इज मैरिड टू हर, आई मीन शी इज गोइंग टू बी डेवेस्टेटेड। मगर सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से जया ने गिव बैक किया, एंड पीपल लाइक वैजू एंड रणविजय डिजर्व इट। क्योंकि जब इंटेंशन ही गलत हो ना, तो फिर उसमें कोई, आप कितना कुछ भी बोलो, कितना भी करो, इट डजेंट मैटर। आपका इंटेंशन स्टार्टिंग में शायद सही होगा, मगर उसके सराउंडिंग जो जो आपने किया है सब गलत था, एवरीथिंग वॉज रॉन्ग। तो इसीलिए मैं तो पूरा पूरा जया के साइड में हूँ इस मैटर में। शी इज द वन हु वाज केप्ट इन द डार्क, शी इज द वन हु इज बीइंग बिट्रेड, डिसीव
उन्हें किया जा रहा है, तो आई एम ऑल गेम फॉर दिस. मतलब मुझे तो लगता है जया का और फूटना चाहिए, बट हाँ दे हैव डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक. मुझे ऐसा लगा कि जया ने वो जो बात बोली है ना, आई सेड, मुझे पर्सनली लगा कि वो कुछ चेक कर रही है, दैट इट वाज अ टेस्ट, इट वाज अ टेस्ट फॉर रणविजय कि मैं अगर ऐसा कुछ बोलती हूँ तो रणविजय क्या करता है. पहले होता तो मैं भी लिख के दे सकती हूँ कि रणविजय कभी इस चीज के लिए मानता नहीं. तो आई जस्ट फेल्ट जिस तरीके का रिएक्शन जया ने दिया है, मुझे लगा कि यू नो शी वांटेड टू सी उनका क्या रिएक्शन होगा जब वो ऐसा कुछ सजेस्ट करती है. तो लेट्स सी क्या होने वाला है. बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगा कि उसने ऐसा एक फैसला लिया कि हम ब्रेक लेना चाहिए, और वो राजी भी हो गया उसके लिए. और डेफिनेटली उसको बहुत बुरा भी लग रहा था कि वो वैजू से ऐसे बात करे, क्योंकि वो जानता है कि उन दोनों ने मिलके अपनी शादी को छुपाया है, या उनको लगता है कि उन्होंने अपने अपना सेक्रीफाइस किया है. उनकी शादी होते हुए भी जया के लिए उन्होंने किया, लेकिन नहीं किया. आपका सेक्रीफाइस अगर वाकई ऐसा होता कि आप दोनों उसके पीछे से कुछ नहीं कर रहे होते और आप दोनों बहुत अलग हो जाते, और वो जगह वो अगर वैजू देती, मैं वो सेक्रीफाइस को मानती, लेकिन आप लोगों ने तो अपने मोमेंट्स एंजॉय किए हैं और उसके हर मोमेंट को छीना है. तो मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है. आपने डेफिनेटली अपना अपना हक छीना है, लिया है, और आपका हक था, मगर धोखा नहीं देते तो ज्यादा अच्छा लगता कि आपको जिस मुकाम पे उन्होंने रखा था ना, वो उस मुकाम पर जब देखती तो और खुशी होती उसको. लेकिन जिस तरह से आपने किया, माना शो में नहीं दिखाएंगे, वो बुरा जया को ही दिखाने वाले हैं और उसको ही दिखाने वाले हैं कि उसने कितना कुछ किया, और यही हमें रणविजय के फेस पे दिखा है. और फिर रणविजय जिस तरह ब्रेक के लिए भी राजी हो गया, तो सही है जैसे आप बोलिए, शायद वो टेस्ट करना चाह रही हो, पर जो भी हो हर तरह से उसके साथ बुरा ही हुआ है. पहले ही बोल देते तो शायद वो तो हट ही रही थी, वो तो राजी थी आपके रास्ते से हटने, वो तब भी शायद हट जाती. तो लेट्स सी क्या होता है. एनीवेज, अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस. टेक केयर, बाय बाय. Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.